हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे लूप इन सी लैंग्वेज। लूप का ही दूसरा नाम इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी है। इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेटिव, यानी रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ लाइन्स को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट कराएं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। इसको इम्प्लीमेंट करने के सी लैंग्वेज में तीन तरीके होते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। आइए इसका सिंटैक्स समझें, यूजेज समझें एक एग्जांपल के जरिए। हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं नाम। जैसे मेरा नाम है सौरभ, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे सौरभ। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ सौरभ, राइट, गेट सी एच प्रोग्राम है। क्या होगा इससे? इससे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा सौरभ। यस, देखिए आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सौरभ। लेकिन अगर मैं सौरभ 5 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? या तो मुझे प्रिंटफ के अंदर ही सौरभ 5 बार लिखना होगा, या फिर मैं इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को 5 बार लिखूंगा। यानी मैं क्या चाहता हूँ, मेरा प्रोग्राम चले, पहली लाइन चले, उसके बाद दूसरी लाइन चले, पर तीसरी लाइन चलने की जगह पर ये दूसरी लाइन दोबारा चल जाए, तो 2 बार सौरभ प्रिंट हो गया। एक और बार चल जाए तो 3 बार सौरभ प्रिंट हो जाए। एक और बार चल जाए तो 4 बार सौरभ प्रिंट हो गया। एक और बार चल जाए तो 5 बार सौरभ प्रिंट हो गया, और उसके बाद गेट सी एच चले। यानी मैं किसी पर्टिकुलर लाइन को या सेट ऑफ लाइन्स को रिपीट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस printf को रिपीट करना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा वाइल। वाइल का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आपने लिखा वाइल, वाइल के बाद लगाए पैरेंथेसिस, जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं कोई कंडीशन, कोई सेमीकोलन नहीं है उसके बाद, और ये करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक वाइल की बॉडी है, वाइल का ब्लॉक है। वाइल के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो होंगे रिपीट। अब इसका सिंटैक्स जरा एग्जीक्यूट कैसे करता है वो समझिए। क्लियर स्क्रीन चल जाने के बाद जैसे ही कंट्रोल वाइल पर आएगा, वाइल के पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन हम लिखेंगे उसको ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट किया जाएगा। जो भी कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे, अभी मैंने लिख दिया कंडीशन, पर एक्चुअल में हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वाइल की बॉडी में एंटर करेंगे, और जो कुछ इसके अंदर लिखा है, जैसे प्रिंट एफ लिखा है, तो प्रिंट एफ चल जाएगा। इफ जैसा ही सिंटैक्स लग रहा है, लेकिन अंतर यह है कि यदि इफ होता तो ये ब्लॉक चल जाने के बाद गेट सीच पे आ जाता। लेकिन वाइल है, इसीलिए कंट्रोल वापस वाइल पे जाएगा। यानी इस ब्लॉक के अंदर का सारा कोड चलाने के बाद गेट सी एच पे जाने की बजाय वापस कंट्रोल चला जाएगा वाइल पे, तभी तो रिपीटेशन होगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन दोबारा भी ट्रू है तो फिर से अंदर आ जाएंगे और नाम प्रिंट करा देंगे। और ऐसा तब तक होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन हर बार चेक हो रही है ब्लॉक में एंटर होने के लिए। अब कंडीशन बड़े सोच समझ के बनानी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशन लिख दी कुछ ऐसी जो ट्रू हो, मैंने लिख दिया 1 less than equal to 5। अच्छा, जब पहली बार ये चलेगा, यानी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब, तो 1 less than equal to 5 ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा तो अंदर आ जाएंगे, नाम प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब चेक होगा तो फिर से भी तो ट्रू ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन में कोई चेंजेस हुए नहीं है। 1 less than equal to 5 पहले भी था, अभी भी है, और चेंजेस होंगे भी क्यों? 1 एक कॉन्स्टेंट है, 5 एक कॉन्स्टेंट है, तो दोनों कॉन्स्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकते। तो रिजल्ट भी उनका ट्रू ही आता रहेगा हर बार, और ऐसे में ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। यानी ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा, और ये डेंजरस है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका प्रोग्राम नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन जाए। तो आपको यहाँ कुछ समझदारी दिखानी होगी। यानी कुछ बार तो ये ट्रू रहे पर फिर फॉल्स हो जाए। अभी जैसे मैं नाम को 5 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये 5 बार कंडीशन ट्रू रहे, और 6वीं बार जब चेक हो तो फॉल्स हो जाए। तो इसके लिए मुझे कंडीशन को हर बार बदलना पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो? ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ कंडीशन में कांस्टेंट ना लिखकर वेरिएबल लिखो।
कम से कम एक तो वेरिएबल देखिए, जैसे मैंने लिखा आई, तो आई अगर एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू मैं चेंज करा सकता हूँ, जिससे कि हर बार जब कंडीशन चेक की जाएगी तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। पर इसके लिए मुझे पहले आई वेरिएबल बनाना होगा और इसमें शुरुआत में कुछ वैल्यू भी तो रखनी होगी, जैसे मैंने रख दी 1। ओके, अभी ये क्या है, 1 <= 5, यस, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। सौरभ प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर से जब दोबारा व्हाइल लूप पर आएंगे तो फिर से आई की वैल्यू तो 1 ही है, यानी पिछले प्रोग्राम जैसा ही रहा, 1 <= 5 ही रहेगा। तो ये भी ट्रू है, उन्हें ये चाहिए कि जब दोबारा कंडीशन चेक हो उससे पहले आई की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। जैसे मैं i++ लिख कर आई की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और हुआ ये कि आई की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। तो आई क्या है, आई इस लूप को कंट्रोल करने वाला एक वेरिएबल है, तो अपन बोल सकते हैं आई एक काउंटर वेरिएबल है जिसका मैं इनिशियलाइजेशन यहाँ कर रहा हूँ, यानी कहीं से तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये इनिशियलाइजेशन हो गया और ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन। This is called flow. कहने का मतलब ये कि काउंटर वेरिएबल, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज में आएगा, उसका मुझे कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी होगी, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जैसे यहां किया है। कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी जो वाइल के पैरेंथेसिस में लिखी जाएगी, कुछ फ्लो होगा यानी चेंजेस होंगे ताकि अगली बार कंडीशन चेक हो तो वो पुरानी वाली ना रहे, चेंज हो जाए। अब आप खुद सोचिए, जब आई की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो लूप पहली बार चला, फिर नाम प्रिंट होने के बाद आई बढ़ जाएगा, आई 2 हो जाएगा, तो अगली बार जब कंडीशन चेक होगी तो ये 2 <= 5 होगा, जो फिर से ट्रू है, इसलिए फिर अंदर आ जाएंगे। 3 के केस में भी ट्रू, 4 के केस में भी ट्रू, 5 के केस में भी ट्रू, तो 5 बार सौरभ प्रिंट हो गया। 6th टाइम जब यहाँ आएंगे तो 6 <= 5 हो जाएगा फॉल्स, तब जाके आएंगे गेट सीएच पे। तो आउटपुट हम देखें स्क्रीन पे, 5 बार सौरभ प्रिंट हो रहा है। अगर मैं हर बार लाइन चेंज कर दूँ backslash n लगा के, तो 5 बार मुझे सौरभ दिखाई दे रहा है। तो ये हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम एक ही कोड को रिपीट कर सकते हैं। आपने यहाँ नोटिस किया कि वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगा है, क्योंकि वही रीज़न जो इफ़ के साथ बताया गया था कि वाइल की बॉडी, वाइल का ब्लॉक तभी तक वाइल का ब्लॉक है जब वाइल के सामने सेमीकोलन नहीं लगाया, वरना स्टेटमेंट वहीं एंड हो जाएगा। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें 3 चीज़ें हमने देखी, हम देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन, हम देख रहे हैं कंडीशन जो कि हमने बनाई थी i < 5, ये कुछ और भी हो सकती थी। अगर मुझे 10 बार नाम प्रिंट कराना है तो मुझे सिंपली यहाँ 10 लिख देना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इनिशियलाइजेशन 1 से करूँ, ये भी हमको तय करना है, ये भी हमको तय करना है, ये भी हमको तय करना है। लूप की इतनी प्रैक्टिस करिए कि ये सब लिखने में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ओके, तो आपको लूप का बेसिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं और ये वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू।